हेलो फ्रेंड, क्या आप जानते हैं भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने वाले 22 यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है। इस लिस्ट में 4 पाकिस्तानी चैनल भी शामिल है। इसके साथ ही एक वेबसाइट और कई सोशल मीडिया अकाउंट भी बैन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने IT रूल 2021 के तहत इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए 22 यूट्यूब चैनल, 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल के पास कुल 260 करोड़ व्यूअर्स थे। इन अकाउंट और चैनल का इस्तेमाल संवेदनशील और भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े मामले में फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा था। इनमें भारतीय यूट्यूब चैनल पर भी एक्शन लिया गया है। IT रूल 2021 के आधार पर यह पहला मौका है जब भारतीय यूट्यूब चैनल पर एक्शन लिया गया है। बता दें कि सरकार पिछले साल फरवरी में IT रूल 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया था। ईस्ट ब्लॉकिंग ऑर्डर के तहत 18 भारतीय और 4 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है। इन यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल विभिन्न मुद्दे पर फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जा रहा था। खासकर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे पर फर्जी पोस्ट इन चैनल के जरिए किए जा रहे थे। विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पोस्ट किए गए भारतीय विरोधी कंटेंट को भी ब्लॉक किया गया है। जांच में पाया गया है कि भारतीय यूट्यूब चैनल्स के द्वारा यूक्रेन के स्थिति पर कई गलत जानकारियां शेयर की गई है। दूसरे देश के साथ भारतीयों की संबंध का प्रभावित करने के मंशा से इन चैनल्स के द्वारा पोस्ट किया जा रहा था। जिन यूट्यूब चैनल को बैन किया गया है उनका नाम है RP न्यूज, AOP न्यूज, LDC न्यूज, सरकारी बाबू, SHM हिंदी, स्मार्ट न्यूज, News 23 हिंदी, ऑनलाइन खबर, DP न्यूज, PKB न्यूज, किसान तक, बन्ना न्यूज, सरकारी न्यूज अपडेट, भारत मौसम, RJ Zone 6, एग्जाम रिपोर्ट, DG गुरुकुल, दिन भर की खबरें। जिन पाकिस्तान चैनल को बैन किया गया है उनका नाम है दुनिया मेरे आगे, गुलाम नबी मदनी, हकीकत टीवी, हकीकत टीवी 2.0। जिस वेबसाइट को बैन किया गया है उनका नाम है दुनिया मेरे आगे। सोशल मीडिया अकाउंट जैसे ट्विटर, गुलाम नबी मदनी, दुनिया मेरे आगे, हकीकत टीवी, फेसबुक में दुनिया मेरे आगे। इस फैसले के साथ पिछले साल दिसंबर यानी दिसंबर 2021 से अब तक मिनिस्ट्री ने 78 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया है। इसके साथ ही कई सोशल मीडिया अकाउंट को भी बैन किया गया है जो देश के सुरक्षा और पब्लिक मुद्दे को गलत जानकारी फैला रहे थे। मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार एक प्रामाणिक, भरोसेमंद और सुरक्षित ऑनलाइन समाचार मीडिया एनवायरमेंट सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधी और सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को विफल करती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल फैक्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।